बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बेटा क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए इक्वल दिया एंड शो दैट। बेटा ये जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, माइंड में क्लियर करो, मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का नॉलेज आपके नॉलेज में होना चाहिए, यस और नो? चलो बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन का, हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद करो, मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं कहाँ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखते हैं, याद है किसी को? तो फर्स्ट वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, तो फर्स्ट लिखते हैं बेटा पी एन, जो मैंने लिखा हुआ है देखो आप यहाँ पे, राइट। तो पी एन लिख दिया जो रियल वैल्यू होती है बेटा, ओके। अब देन आफ्टर जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टेप वन, यस और नो? स्टेप वन फॉर एन इज इक्वल टू वन, राइट, फॉर एन इक्वल टू वन मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है फॉर एन इक्वल टू वन। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो एन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एक रिजल्ट, एन की वैल्यू राइट हैंड साइड में रखेंगे सेकंड रिजल्ट, एंड दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो ये प्रूव होता है, अदरवाइज प्रूव नहीं होता है। तो सी है फॉर एन इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, एन का वैल्यू वन पुट कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट नंबर वन हो जाएगा, इज दैट क्लियर? चलो देन आफ्टर हम क्या करते हैं भाई, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां पर भी एन है ना वहां पे हम वन पुट कर रहे हैं, तो यहां पे वन, तो यहां पे ए आई आ जाएगा, यहां पे वन पुट कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, वन का तो वन ही होता है, वन माइनस वन क्या होता है जीरो, एक ही जीरो पावर क्या होती है वन, तो यहां पे बी ए आ गया, रिजल्ट नंबर टू, दैट मीन्स दोनों रिजल्ट सेम है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं भाई कि P1 इज ट्रू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, P1 इज ट्रू, ओके। देन आफ्टर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लेट P के भी ट्रू, हमें एज्यूम करना है कि सेकंड स्टेप राइट है, सेकंड स्टेप राइट है, हमें सिर्फ एज्यूम करना है, दैट मीन्स हम स्टेप टू के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, स्टेप टू के लिए तो लेट P ऑफ K बी ट्रू, दैट मीन्स यहां पे मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस ये वैल्यू सेम टू सेम लिखनी है, और जहां पे N है वहां पे क्या पुट करना है, सिर्फ K पुट करना है, देख लो यहां पे, तो P ऑफ K लिख दिया, तो यहां पे क्या आने वाला है बच्चा, ए आई प्लस बी ए, उसकी कितनी पावर है भाई, K इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू आई, इज इट राइट, प्लस यहां पे के लिख दिया, ए की पावर के माइनस वन इंटू क्या लिख दिया, बी ए, चेक कर लो आप सही है भाई, ओके, मीन्स ये आपका स्टेप टू हो गया, कोई डाउट नहीं है किसी को, ओके। चलो देन आफ्टर स्टेप थ्री, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप थ्री, तो स्टेप थ्री क्या होता है भाई, स्टेप थ्री क्या होता है, सिंपल बोलो, लेट पी के प्लस वन, समझ में आ रहा है, पी के प्लस वन लेके हमें स्टार्ट करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है और कुछ नहीं है, राइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, ए आई प्लस बी ए, उसकी पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, के प्लस वन, राइट। बेटा यहां से हमें ये प्रूव करना है, माइंड में क्लियर करना, चलो कैसे प्रूव करना है, अब ए आई, तो ए आई प्लस बी ए इंटू के इंटू ए आई प्लस बी, अगर मैं लिख दिया तो किसी को प्रॉब्लम है भाई, ए लिख दिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, होनी चाहिए, ओके, बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाता है, ये रूल्स का हमने यूज किया हुआ है, ओके। बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन का एक कॉमन रूल है, स्टेप थ्री में स्टेप टू की वैल्यू पुट करोगे ना तभी आंसर आएगा, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन स्टेप थ्री में स्टेप टू की वैल्यू पुट करोगे ना तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, इट इज वेरी क्लियर। तो स्टेप थ्री में स्टेप टू की वैल्यू पुट करनी है, ओके, तो स्टेप थ्री ये है। अब स्टेप थ्री में क्या कर रहा हूं, स्टेप टू की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो स्टेप टू की वैल्यू क्या है देखो, है या नहीं,
तो ये वैल्यू मैं आपको कर दिया, देखो बहुत समझ में करना, ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए, इज दैट क्लियर, एंड ब्रैकेट ए आई प्लस बी ए। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके अब मेरा ए रेस टू के इंटू आई, ओके अब आई का वैल्यू क्या होता है सबको मालूम है, 1001 होता है, तो बार बार आई लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ यहां पे क्या लिख रहा हूं, ए की पावर के लिख रहा हूं, तो यहां पे ए की पावर के लिख दी मैंने, इज इट क्लियर, चलो प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए लिख दिया, यहां सिर्फ ए लिखा है और बी ए, इज दैट क्लियर, समझ लो क्या कर रहा हूं। सब चो अब ए के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की पावर के प्लस वन, चलो समझ में आ रहा है, ए की पावर के प्लस वन, चलो ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होने वाला है, के इंटू ए इंटू बी ए, चेक कर लो सही है, ए विद दिस ए विद दिस राइट, तो ए के प्लस वन, ए की पावर वन है तो वन प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा। अब ए रेस टू के साथ बी ए को मल्टीप्लाई कर दो एंड के इंटू ए रेस टू के माइनस वन के साथ बी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया भाई, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, यस और नो? तो ये आपके नॉलेज में आना चाहिए कि ए रेस टू के प्लस वन ए रेस टू के भी है। अब हम कौन से टर्म साथ में ले सकते हैं, मुझे प्रूव क्या करना है भाई, तो मुझे प्रूव करना है ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, यहाँ पे के प्लस वन ए रेस टू के इंटू बी ए, ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है राइट। अब ए प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, समझो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हमारा के इंटू ए बी ए है, ये हमारा ओके ए रेस टू के, तो इन्होंने साथ ले लिया भाई, ए रेस टू के प्लस वन ओके प्लस ए रेस टू के इंटू बी ए साथ में ले लो, प्लस के इंटू ए बी ए कॉमन निकाल दो ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वन वन तो क्या बोलते हैं हम लोग आई राइट, तो वन कॉमन आई आ जाएगा, प्लस के कॉमन है ओके ए कॉमन है, तो यहाँ पे ए क्या आने वाला है, के माइनस वन, तो के माइनस टू एंड बी एंड ए आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, बेटा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है यार, ओके अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 में कुल टोटली 4 क्वेश्चंस हैं राइट, जो कुल या टोटल 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बेटा ओके। क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है राइट, बट जो मैट्रिक्स फाइंड करना है इसलिए कंडीशन रखा गया है, व्हाट इज द कंडीशन इज दिस यार, द सम क्या करना है, सम, बट सम किसका करना है, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करना है, बट सम किसका करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ओके। वी हैव गिवन वन मैट्रिक्स, सी 6 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3, बेटा मुझे फाइंड करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं 1/2 a + a' का यूज करूंगा, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यार मैं 1/2 a - a' का यूज करने वाला हूं, इज दैट क्लियर। चलो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, a डैश फाइंड करना, भाई एडेश फाइंड कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज फाइंड करना है तो मैं ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, बहुत इजी है राइट, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है तो हो जाएगा ओके। नाउ अब मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, अब मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 1/2 a + a' फाइंड करना बेटा, ए प्लस ए डैश राइट अन 1/2, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, देखो 6 + 6 क्या होता है 12, तो 12/2 क्या हो जाएगा 6 राइट, -2 - 2 क्या होता है -4/2 क्या होता है -2, ऐसे जितने भी टर्म है वो सारे मैंने लिख दिए, इट इज कॉल्ड 1/2 a + a', इज दैट क्लियर, देख लो आप सही है ना ओके, तो 1/2 a + a' क्लियर ना ओके ना ओके ना, देन आपका बेटा मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या फाइन करना पड़ेगा, 1/2 ए माइनस एडेस, राइट राइट ना, ओके तो 1/2 ए माइनस एडेस, तो 1/2 ए माइनस एडेस बेटा सिंपली 6 - 6 क्या होता है 0, -2 - -2 0, ओके तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0, आप चेक कर सकते हो, इज इट क्लियर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो आ गया 0 0 0। अब आपका आंसर क्या करना है, सम, समझो ये जो मैट्रिक्स है उसको मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया उसको एज्यूम कर रहा हूं वाई, क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है, मुझे सम फाइंड करना है बेटा, किसका सम फाइंड करना है, तो बहुत क्लियर है मुझे जो फाइंड करना है वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 एंड ये क्या है 0 0 0 राइट, तो ये आपका सम हो गया राइट। अगर आप दोनों कंबाइन करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, बट ये जरूर नहीं है ओके, तो ये आपका आंसर। तो बड़े जितने भी क्वेश्चन है ऑल 4 क्वेश्चंस आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 3.3, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 1/2 a + a' एंड 1/2 a - a', ये दोनों हमें फाइंड करना है विथ यूजिंग दिस मैट्रिक्स ओके। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करूंगा, सिंपल a का ट्रांसपोज कर लिया, 0 ab 0 ab, -0 c c here c here c here ओके, तो ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, a प्लस a डैश एंड a माइनस a डैश, तो पहले मैंने a प्लस a डैश फाइंड कर लिया, 0 + 0 a माइनस a b - b 0, तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स मींस 0 मैट्रिक्स। अब a माइनस a डैश है तो सिंपल दोनों का सबट्रैक्शन कर दिया, तो 0 2a 2b, अब 2 से डिवाइड करना है ओके, तो क्या आ जाएगा 0 ab - 0 c - b - c 0 बेटा ये क्या है, ये तो ये मैट्रिक्स ए है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है सेम, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट। एक क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर रहा हूं तो एक में क्या किया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए राइट। बेटा वंस अगेन, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे प्रूव करना है सिंपल, चलो ए इक्वल टू क्या दिया है, बहुत सिंपल है 1 6 5 7, तो बेटा ए डैश क्या होने वाला है, वेरी सिंपल 1 5 6 7, इज इट क्लियर। चलो अब ए प्लस ए डैश करते हैं हम लोग, चलो 1 + 1 क्या होने वाला है 2 11, समझ में आ रहा है, 1 + 1 2 11, 5 + 6 11 एंड 7 + 7 14, समझ में आ रहा है, तो ए प्लस ए डैश है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, समझो इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है कि एक्स इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए डैश है, इज इट क्लियर। अगर ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो एक्स इक्वल टू एक्स एस टू टी होना चाहिए, समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो, तो दैट इज अगर ये एक्स है राइट, 2 11 11 14, तो x का ट्रांसपोज क्या होने वाला है, चेक कर लो, ये जो है रो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 2 11 11 14 कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, यस और नो, दैट मींस ये प्रूव हो गया कि a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन 7 का 2, बेटा क्वेश्चन 7 का जो 1 है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, वो बहुत ईजी है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट। बेटा वी नो वेरी वेल कि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना चाहिए, तो अगर a इक्वल टू a डैश प्रूव कर दिया तो वो क्या है, सिमेट्रिक, और a इक्वल टू अगर माइनस a डैश प्रूव कर दिया तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है राइट। बेटा यहाँ पे a ऑलरेडी है, आप देखते हो 0 1 - 1 1 0 - 1, अब मुझे करना क्या है, सिंपल फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो तीनों में से मुझे क्या कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकाल दिया,
तो अगर माइनस कॉमन निकल दिया तो यहां से माइनस, यहां से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर यहां से माइनस, तो फिर से यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट रूम में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे माइनस, सेकंड में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो फिर से वो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे करते हो, यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया तो जीरो वन माइनस वन, तो ये माइनस हो गया। अब यहां से माइनस निकाल दिया तो माइनस में ऐसे यहां पे क्या होने वाला है प्लस, तो ये माइनस वन जीरो एंड वन हो जाएगा। अब यहां से फिर से माइनस निकाला तो फिर यहां पर माइनस हो जाएगा, तो यहां पे वन माइनस वन एंड जीरो आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो किससे मैच हो रही है, ए से ना, तो इज इक्वल टू माइनस से आ गया। इट कैन बी प्रूव्ड कि भाई ए डैश इक्वल टू माइनस ए, अगर हम प्रूव कर पाते हैं ए डैश इक्वल टू माइनस ए या ए इक्वल टू माइनस ए डैश, बोथ आर सेम राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल है।